तीन दिन पहला मैं दीप सिद्धू भाई नू मिल के आया सीगा तिहाड़ जेल विच। मैं कोशिश करांगा कि नेगेटिव ना कुछ मेरे मुंह निकले, बट कई बार सच दसना भी जरूरी हो जाता। दीप भाई नाल कुटमार की गल हो रही थी कि उत्थे कुटमार हुई है एजेंसियां वालों, टॉर्चर बहुत किया, सो नहीं देंदे सीगे तो दो तीन तीन दिन, क्योंकि नींद तो बंदा जिहड़ा मैंटली जिहड़ा वह बहुत डिस्टर्ब हुंदा, तो उस समय वह कहिंदा यार लिखवा लो मेरे को जो लिखवाना तुसीं। उन्हूं 7 साल की कैद हो गई है। दो टके दे सिंगर जिहड़े उस समय शंभू बॉर्डर ते आ के, भाजी प्लीज़ भाजी प्लीज़ 2 मिनट वास्ते बोलण दो, भाजी दीप भाई नाल फोटो करा दो, वो बाद चो बकवास करन लगे फेसबुकां उत्ते ताकि उन्हां नूं सबसक्राइबर मिल जाण। गाणा ते उहदा मैं अज तक कोई सुणिया नहीं। सत श्री अकाल जी, तुहाडे सारयां दी राजी खुशी की अरदास करते हुए अपनी गल शुरू करदा। वैसे मैनू लाइव लू तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जहाँ नहीं हुंदा, बट जिदा मेरी फिल्मां भी हुंदियां मैं तां भी एक दो बार शायद लाइव गया होवांगा। तो इस किसान मोर्चे दे विच काफ़ी बारी लाइव होना पिया क्योंकि गल्लां जरूरी हो जांदियां, फिर लाइव आना पैंदा। 2 दिन पहला 3 दिन पहला मैं दीप सिद्धू भाई नूं मिल के आया सीगा तिहाड़ जेल विच, ते कल परसों मैं कुछ पोस्टां देखदा पिया सी जिथे कोई दीप भाई नाल कुटमार की गल हो रही थी कि उत्थे कुटमार हुई है एजेंसियां वालों, या उन्हूं 7 साल की कैद हो गई है, या कोई कुछ बोलता ही। तो फिर मैं लग्या कि लाइव आना चाहिए। सब तो पहला तो इस दीप भाई दे केस की जिहड़ी सारी देख रेख हैगी है वह मनदीप सिंह सिद्धू भाजी कर रहे हैं, जो दीप भाई के छोटे भरा ने, खुद वो एडवोकेट भी ने, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सारा फस्ट हैंड वो देखते दे पे ने। ते कुछ भी तुहानू जिहड़ी गल होवे दीप भाई दे बारे च या केस दे बारे च, मेरे ख्याल नाल मनदीप भाजी खुद बहुत सोशल मीडिया उत्ते एक्टिव नहीं हैगे, बहुत थोड़े शाई किस्म इंट्रोवर्ट टाइप दे हैगे, चिणक उदा ही है, गुस्सा उदा ही है दीप भाई वर्गा मनदीप भाई का भी, लेकिन सोशल मीडिया से थोड़ा घट एक्टिव होंदे है। हरप्रीत सिंह देवगन भाजी शंभू मोर्चा पेज इतों तुसी सही जिहड़ी जानकारी हैगी है दीप भाई दे केस की वो तुहानू मिल सकती है। उदोखे भाजी भी जो मनदीप भाई दे नाल टच विच रहिंदे है, तो वह भी जिहड़ा लिखते है वह गल करन तो बाद लिखते है, मतलब हवा च नहीं लिखते, तो कोई भी गल है वह तुहानू हरप्रीत सिंह देवगन भाजी उदोखे साहब या मनदीप भाजी तो तुहानू पता लगे तो उही गल एक्चुअल च हैगी है। तो मेरी जदों गल हुई मैं उस गल ते आना, साडा जदों शंभू मोर्चा जदों भी आपां पहले दिन तो ही किसी ने भी नैगेटिव गल नहीं की, खासकर दीप भाई दे उत्ते इन्ने ज़्यादा लोगों ने नैगेटिव बोलिया भी बकवास की, तां भी उन्हें मतलब वो आदत सी उन्हें हस के टाल देना हुंदा कि कोई गल नहीं बोलन दो यार। किसान आगुआ बारे भी उन्हें कभी नैगेटिव नहीं बोलिया, उन्हें हमेशा ही बोलता कि मैं सिर्फ इस करके हाँ कि मैं कोई इस अंदोलन नू वेच ना दे नकेल पान नू आए किस्म का, तो उ उसका काम से उही वह करता रहा, उ अज भी कर रहा। तो नैगेटिव अज भी मैं कोशिश करांगा कि नैगेटिव ना कुछ मेरे मुँह निकले, बट कई बार सच दसना भी जरूरी हो जाता, तो मैं फिर भी कोशिश करा कि मेरे मुँह यहोजी कोई गल ना निकले जी कि ना चंकी लगे। जो अं कि नैगेटिव बोलते हाँ ज किसी के भी बारे तो असी मुद्दे तो हट जाने, सरकार ने आही किया हमने भी जोड़ा 26 जनवरी होया उन्होंने मुद्दे तो भड़का दिता, यूथ न उतों हटाना सगा, दीप भाई हटे वजह जिदा भी जो भी प्रोसैस होया, लखा भाई उतों हटे, इन्हों की वजह नाल पूरा यूथ जोड़ा उतों की किसान मोर्चे तो हट गया, सोशल मीडिया तो बहुत फर्क पै गया, बट कोई फर्क कोई घबराने वाली गल नहीं, दोनों शेर जोड़े है ये वापस होणगे जल्दी वापस उस पर, दोनों का काम जोड़ा कोई
किसान अंदोलन नू वेचे ना, ये अजे भी पूरी डट के अपना पहरा दे रहे ने। ते मेरी जदों मुलाकात हुई तां काफ़ी देर, करीब 45 मिनट असी गलबात करते रहे। ते मैं जिदा जाते ही मजाक च भाजी नू पुछया, मैं कहा भाजी दिल लग गया, तां हसन लग गए जोर जोर दी, कहिंदे यार मैं जेल च हैगा। ते मगा ओ तां वी दिल लग गया नहीं लग्या, कहिंदे दिल लग गया, वधिया लोग ने कोई इन्हां दे, जिहड़ा इन्हां दे 7 नंबर च ने, ते 7 नंबर विच साफ सुथरे लोग जिहड़े हुंदे आ उन्हां नूं रख्या जांदा। कोई मिनिस्टर है आसाम दा, शायद बंगाल दा, कहिंदे कोई मिनिस्टर है, वो पंजाबी है, हैगा भावें बंगाल दा, बट उहदे नाल दिल लग्या रहिंदा। कुछ IPS ऑफिसर ने, कोई IAS ऑफिसरस ने, और चंडीगढ़ एक कंपनी होंदी सीगी पर्ल, उन्हां दे मेन जिहड़े ने वह भी उत्थे ही ने, उन्हां दे नाल ही हुंदे। कहिंदे फिर मैं काफ़ी पढ़ता रहना, लिखता रहना, काफ़ी मजाक च भी गल्लां हुंदियां रहियां। और एक चीज़ मैं शॉर्ट विच ये दस देवां कि बाई दा दबका जिहड़ा वह भी उत्थे ही उन्ना ही है, बाई पूरे चढ़दी कला च है, किसी भी तरह का ढहंदी कला नहीं हैगी, उदासी नहीं हैगी, उदासी किसी होर गल ते है, अदरवाइज उन कोई बब्बर शेर की तरह ही है, वो चढ़ती कला च है, और दबका भी पूरा ही है। इस गल नूं मैं ये बोलिया कि शॉर्ट विच मैं बोलांगा, एक ही लाइन दे विच बोलांगा कि दबका पूरा है। हुण एक किद्दां है, मैं नहीं बोल सकता, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जानी कैमरे ते अगर मैं बोलिया कि मैं कि उत्थे किद्दां किद्दां दबके वाली गल, मैं तुसीं समझ जाओ। ये सारियां गल्लां होण तों बाद फिर सीरियस गल्लां भी होईयां, तां कहिंदे भाजी मज़ा नहीं आया। जिदां पंजाबियां ने जिन्ना कुछ 26, 27, 28, 29, 30, 31 जो भी सीगा स्टेजां तों बोल दिता, उत्थे उदास हो गए। अब मैं स्टेटस पाया कि यार वो बंदा क्यों है, दीप सिद्धू भाई जेल च क्यों है, उन्हें कुटमार की है, उन्होंने मर्डर किया, उन्हें रेप किया, उन्हें 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 डकैती मारी है, ये उन्हें पूछा ही मैनू। कहना भाजी मैं क्यों है यार जेल में, कि मेरा ये लैवल है, कि ये मेरा स्टैंडर्ड है। हिंदुस्तान दियाँ टॉप दियाँ एजेंसियां, क्राइम ब्रांच, रॉ, एहो जी एजेंसियां नू मैं झेल रहा, जेल च बैठा हुआ, देश का प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर उसनू डायरैक्ट रिपोर्टिंग हुंदी है इस केस दी, ते पंजाब कहिंदे यार मैं जेल च क्यों आ, मैं डाका मारिया, मैं किसी कुड़ी नू छेड़िया, मैं मर्डर कीता, मैं की कीता, मैं क्यों आ। इस दा जवाब जिहड़ा सी मेरे कोल नहीं सीगा। तुसीं सोचो यार, परचे तो होर कई भी होए हुए, पर लब पुलिस सिर्फ लखेवाई नू रही है, बाकी तो हवाई जहाजा च भी घूम रहे ने, उन्होंने भी परचे है, उन्होंने कोई फड़ता नहीं, क्यों नहीं फड़ता भी। जिन्हू सरकार का BJP का बंदा दसते सीगे वह जेल च है, दीप भाई ने किसान आगुआ नू पहला भी कदी गलत नहीं बोलिया, पर किसान आगू हमेशा ये कहंदे रहे कि भाई सानू 40 साल का एक्सपीरियंस है। जब मुंडे फड़े गए तो उन्हां दा ये जवाब सीगा कि सरकार जाने ते वो जानन, कोई ना। तुसीं सोचियो कल नू देश नूं कौम नूं जे लोड़ पई तां की पहलां लोक की हिसाब ला लैण। पंजाब दे बहुत वड्डे पत्रकार ने, मैं नाम नहीं लवांगा उन्हां दा, क्राइम ब्रांच कई कई दिन कई कई घंटे बैठे रहे, और एक दिन मैनूं कहिंदे कहिंदे भाजी मैं ना डरदा ही नहीं सी सवाल करन लगे। पूरे किसानी संघर्ष विच
ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਣ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਖੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 10ਵੀਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ 10ਵੀਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 9ਵੀਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ 11ਵੀਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਸੱਚ। ਵੱਜਣਾ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਸੱਚ, ਲੱਗਣਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਸੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਹਟਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹਟਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਆ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ, ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਣ। ਨਵਰੀਤ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹ ਜੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਗਿਆ ਸਿਰ ਫਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਯੋਧੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ 10ਵੀਂ 'ਚ 10 ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 9ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵਰੀਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਣੀ, ਫਿਰ 28 ਨੂੰ ਆ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 28 ਨੂੰ ਜਾਂ 29 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਸਾਮ ਬੰਗਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ? ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਬਟ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ,
सच ते डिस्कस करना भी जरूरी है। अहीं तां वी चुप रहे जदों लंडू जे सिंगर कोई लाइव जाके उन्हें दीप बाई दे लई बहुत सारी बकवास कीती, अहीं तां वी नहीं बोले। वक्त आने ते पुछया जाएगा उन्हां नूं वी, उन्हां लंडुआं सिंगरां नूं वी। दो टके दे सिंगर जिहड़े उस समय शंभू बॉर्डर ते आके भाजी प्लीज़ भाजी प्लीज़ दो मिनट वास्ते बोलण दो, भाजी दीप बाई नाल फोटो करा दो, वो बाद चो बकवास करन लगे फेसबुकां उत्ते तां कि उन्हां नूं सबसक्राइबर मिल जाण। गाणा ते उहदा मैं अज तक कोई सुणिया नहीं। आही उन्हां को आखरी सहारा सीगा कि इदां बोल लो। किचड़ सुट रहे सीगे, वो किचड़ उपर नूं सुट रहे सी, उन्हां दे मूँह ते ही डिग्गिया। दीप भाई नूं कोई फर्क पिया नहीं उहदा। अज सच है, पूरा फेसबुक छांट के वेख लो, कोई टावा टावा कोई बेवकूफ होएगा जो दीप भाई के खिलाफ लिखता होएगा या लखे भाई के खिलाफ लिखता होएगा। कोई बेवकूफ ही होएगा, खोता ही होएगा कोई। और उन्होंने भी अगर अकल नहीं आई तो फिर रब भी उसका मालिक है। साड़ा फर्ज बनता कि आप दीप भाई दे लई लखे भाई दे लई इन्हां दी सपोर्ट दे विच खड़े होइए। जिन्नियां ज़्यादा तुसीं पोस्टां पा सकते हो, जिन्ना ज़्यादा तुसीं शेयरिंग कर सकते हो इन्हां दी चीज़ां, वो करो। पब्लिक दी आवाज़ जिहड़ी हुंदी है वो प्रैशर हुंदा सरकार दे उत्ते। इह पंजाब दे योधे है, इन्हां दा कोई इन्हां दे उत्ते बेवकूफाना, मतलब मैं हजार बारी बोल चुकिया कि इन्हां बारे खोते लोग आ बोलते कि आ पॉलिटिकल अपना बैग अपना बना रहे ने, करियर बना रहे। अरे बहुतियां तो वधिया ने, हालांकि ये लोग नहीं बनाना चाहते। दीप भाई नूं तां मैं जानता उहदे नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं चाहना कि इहो जिहे लोग आण इन्हां गधियां तो जिहड़े राज कर रहे ने, इन्हां तो 100 गुणा वधिया ने। जिहड़े पढ़ लिख के जिहड़े 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 गल कर सकते हैं, जिहड़े पंजाब का दर्द समझते, जो जो इंडिया का दर्द समझते हैं, जो आम बंदे की गल कर सकते हैं, जो धर्मां दे पंगियां तो उपर उठे हुए है। एक होर गल मैनूं याद आई, गल करते करते दीप भाई दे नाल उन्हें एक गल मैनूं बोली, कहिंदा यार कि जदों ये लोग मैनूं सौण नहीं दिंदे सीगे, हालांकि कहिंदे बाबे की इन्नी कृपा सी किसी ने ओए करके भी नहीं बोलिया, पूरी रिस्पैक्ट ना बोले, क्योंकि उसका बैकग्राउंड इन्ना पढ़िया लिखा बंदा, तो एजेंसियों वाले भी मानते थे कि एडा पढ़िया लिखा कि उन्हां कोल इन्ना पढ़िया लिखा बंदा नहीं हैगा, उन्हां दे विच भी इन्ना पढ़िया लिखा बंदा नहीं है। कहिंदे मैनूं किसी ने भी ओए करके भी नहीं बोलिया। हाँ, शुरू च मैनूं टॉर्चर बहुत किया, सो नहीं दिंदे सीगे तो दो तीन तीन दिन, क्योंकि नींद तो बंदा जिहड़ा मैंटली जिहड़ा वह बहुत डिस्टर्ब हुंदा, तो उस समय वो कहिंदा यार लिखवा लो मेरे को जो लिखवाना तुसीं। पर ये बंदा उस समय भी इन्हें कोई किसे दा नाम कुछ नहीं इन्हें बोलिया। जिहड़े उन्होंने जिदा हरप्रीत भाई हैगे, ये भी डेटा भुगत रहे ने, ये भी इंक्वायरी दे विच इन्हां नूं बार बार बुलाया जांदा, कई कई घंटे कई एक किस्म दा तसीए ये झेल रहे ने। इन्हां दी गड्डी भी उत्थे बंद है, एंडेवर जिहड़ी उस दिन दीप भाई जिस च बह के गए, ते लेकिन दीप भाई ने किसे दा भी नाम नहीं बोलिया। कि उहने कहिंदा कि मैं कल्ला सीगा, कहिंदे मेरे नाल ये ज़्यादा सीगा कि इन्हां नूं भिंडरां वाले उत्ते ये गल करदे सी कि तूं भिंडरां वाले दी गल करदा। कहिंदा हाँ करदा। कहिंदे मैं डिटेल च कई दिन ला के एजेंसियां नूं, ध्यान नाल सुनियो, कहिंदा मैं कई दिन ला के एजेंसियां नूं ये कन्विंस किया कि भिंडरां वाला गलत नहीं सी, उसनूं विक्टमाइज किया गया, उसनूं बदनाम किया गया, मीडिया किदां यूज होया। अज जिदा ये सरकार करती उस समय इंदिरा सरकार इदा करती सी, उन्हें कदी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलिया। कोई एक
स्टेटमेंट नहीं हैगी जिस दे विच संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जी ने एक भी स्टेटमेंट दी हुई किसी होर धर्म के खिलाफ उन्होंने हक में बोलिया हो बड़िया ने तुहाडे कोलों भी किसी कोई स्टेटमेंट होवे मैनू जरूर भेजो क्योंकि मैं कई बार शर्त ला चुका किसी को नहीं हैगी उन्होंने भी जिदा बदनाम किया गया कहिंदे मैं दीप भाई कहिंदा मैं एजेंसियां दे नू लै लै के बह के उन्होंने पूरा कन्विंस करवाया फिर वो मन्ने कि हाँ यार तू सही बोलना वो बंदा तो गलत नहीं सीगा तो वो इदां ही सरकारां दे हत्थे चढ़ के बदनाम किया गया हुण मैं फाइनल जिहड़ी शायद हुण तक फाइनल साडा होया नहीं है कि असीं 2 अप्रैल नू दीप सिद्धू भाई का जन्मदिन हैगा ये आने वाली 2 तरीक नू ते उस दिन शायद जिथों गल शुरू हुई सी शंभू मोर्चे तो शंभू मोर्चे ते ही एक वड्डा धरना लाने की प्लान कर रहे हैं हाले फाइनल नहीं होया जो फाइनल होएगा तो हरप्रीत भाई दे उत्थों पेज तो या शंभू मोर्चा पेज तो अनाउंस किया जाएगा तो उस दे नाल नाल मैं अज सवेरे ही हरप्रीत भाई दे नाल गल कर रहा सीगा कि असी पूरे पंजाब विच या पूरे हिंदुस्तान विच बल्कि पूरे वर्ल्ड विच 2 तरीक नूं या 2 तरीक तो अगे पिछे वर्ल्ड जिहड़ा जिहड़ा ब्लड डोनेशन हैगा वह कैंप लगाए जाण दीप सिद्धू भाई का जिहड़ा जन्मदिन वह इदां मनाया जाए वह भी एक अवेयरनैस हुंदी है वह भी एक सरकार ते प्रैशर हुंदा और एक किसम दा थैंक्सगिविंग भी दी तरह ही लिता जाए यह भी हले फाइनल नहीं होया ये हर टीम दे विच डिस्कस होएगा तो जो होएगा यह भी हरप्रीत भाई के पेज तो ही दसया जाएगा और शंभू पेज तो शंभू मोर्चा पेज जिहड़ा हैगा उत्थों दसया जाएगा तुसीं अपनी राय दस्यो कि अगर हर जिथे भी जिहड़े भी इलाके दे विच अपने अपने रैड क्रॉस जिहड़ा हैगी सोसाइटी उसनू कॉन्टैक्ट किया जाए और ज़्यादा वड्डा खर्चा ना करके छोटे छोटे ही भावें होण ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाण जिहड़ा जिहड़ा खून हैगा किसी जरूरतमंद दे काम आवे किसी गरीब दे काम आवे जिसनू लोड है उसनू खून दिता जाए तो इनबॉक्स करके दस्यो तुहाडी की राय हैगी है ये दोनों चीज़ा हाले फाइनल नहीं है ये टीम जदों करेगी उदों उदों अनाउंस हो जाएगा मैं वह ही तुहाडे नाल गल कीती है बट पंजाब दे शेरां दे नाल खड़े होवो इन्हां दा अपना कोई मकसद नहीं सीगा वधिया जिंदगियां दीप भाई नूं मैं 5-6 साल तो जानदा एक वधिया जिंदगी जिस दे लई लोकी ड्रीम करदा आम बंदा उस तों भी उपरली जिंदगी 5 फिल्मां दा हीरो और 2-2.5-2.5 करोड़ दी गड्डी चलाउण वाला बंदा बॉम्बे रहण वाला बंदा इन्नी वड्डी वड्डी कंपनियां एकता कपूर दा वकील आल्ट बालाजी जिहड़ा उसदा वकील सोनी पिक्चर दा वकील होवे जिहड़ा राकेश रोशन दा ऋतिक रोशन वगैरह जिहड़े हैगे ने इस दे फादर उहनां दा वकील ड्यूल फैमिली दा वकील वह सारा कुछ छड्ड के अज बंदा जेल विच आ ना सिर्फ जेल